हेलो नमस्कार दोस्तों, खबरी बॉस के ब्रेकिंग न्यूज की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी ताजा खबरों की सुर्खियां। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। और दोस्तों शुरू करते हैं पहली और बड़ी खबर से। खबर दोस्तों, राजधानी के लोगों को अभी ठंड का बहुत एहसास नहीं हो रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है। आमतौर पर नवंबर के दूसरे सप्ताह में न्यूनतम तापमान 10-12 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, लेकिन रांची में सोमवार को न्यूनतम तापमान 13.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार कांके का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में भाजपा की टिकट से बेदखल हुए पूर्व मंत्री सरयू राय को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ मिलता दिख रहा है। इसके संकेत नामांकन पत्र दाखिल होने के क्रम में मिले। सोमवार को जदयू के प्रत्याशी जमशेदपुर उपायुक्त कार्यालय नामांकन दाखिल करने पहुंच गए थे, लेकिन पटना से फरमान मिलने के बाद उन्होंने तत्काल इरादा बदल दिया। बताते चले कि जदयू झारखंड में आधार विहीन होने के बावजूद 81 सीटों पर लड़ने को उत्सुक है। हालांकि सरयू राय के पक्ष में जदयू के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले का कोई नफा नहीं दिखता, लेकिन इस निर्णय ने इन कयासों को बल दे दिया है कि नीतीश कुमार भाजपा के बागी सरयू राय के पक्ष में खुलकर भी सामने आ सकते हैं। झारखंड विकास मोर्चा ने जारी की प्रत्याशियों के नाम की चौथी सूची। बाबूलाल मरांडी होंगे धनवार से उम्मीदवार। झारखंड विकास मोर्चा यानी झाविमो ने मंगलवार को अपनी चौथी सूची जारी कर दी। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री व झारखंड विकास मोर्चा सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी धनवार से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जबकि रांची विधानसभा सीट से सुनील कुमार गुप्ता अपना प्रत्याशी घोषित किया है। धनवार से बाबूलाल मरांडी, कोडरमा से रमेश हर्षधर, बरकट्ठा से बटेश्वर मेहता, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बड़कागांव से दुर्गा चरण प्रसाद, सिल्ली से उमेश महतो, खिजरी से अंतु तिर्की, रांची से सुनील कुमार गुप्ता, कांके से कमलेश राम। बताते चले कि 2014 विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने गिरिडीह व धनवार दोनों ही सीट से भाग्य आजमाया था, पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। रिलायंस जियो भी अगले कुछ हफ्ते में मोबाइल टैरिफ बढ़ाएगा। कंपनी ने मंगलवार को इसकी घोषणा की। इससे पहले सोमवार को एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दिसंबर से टैरिफ बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं। जियो ने कहा, टैरिफ बढ़ाने से डाटा की खपत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के आंकड़ों के मुताबिक वोडाफोन आइडिया और एयरटेल ने सितंबर महीने में कुल 49 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स खो दिए। वहीं रिलायंस जियो ने इस दौरान 69.83 लाख नए उपभोक्ता जोड़े। डाटा के अनुसार एयरटेल ने इस दौरान 23.8 लाख, वोडाफोन आइडिया ने 25.7 लाख उपभोक्ता खो दिए। इसके बाद एयरटेल यूजर्स की संख्या 32.55 करोड़, जबकि वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की संख्या 37.24 करोड़ पर आ गई। जियो के ग्राहकों की संख्या 35.52 करोड़ है। झारखंड में 30 नवंबर को पहले चरण की 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। भाजपा और झारखंड विकास मोर्चा ने सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं इस चरण में कांग्रेस के 6, झामुमो के 4, राजद के 3 और आजसू के 3 उम्मीदवार चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। मुख्य दलों के उम्मीदवारों के शपथ पत्र को देखें तो सबसे ज़्यादा 10 करोड़पति भाजपा में हैं।
वहीं डाल्टनगंज से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार के एन त्रिपाठी सबसे अमीर हैं। उनके पास 53 करोड़ से अधिक की संपत्ति है। इसी तरह मनिका से चुनावी मैदान में उतरे झारखंड विकास मोर्चा के राजपाल सिंह के पास सबसे कम संपत्ति है। सिंह के पास 8,71,000 रुपये की संपत्ति है। झारखंड विकास मोर्चा के 7 और कांग्रेस के 5 प्रत्याशी करोड़पति हैं। दागी प्रत्याशियों में सबसे ज्यादा झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विकास मोर्चा के 13 में से 5 उम्मीदवार दागी पर केस हैं। सबसे दागी उम्मीदवार भाजपा के बाकी प्रत्याशी शशि भूषण मेहता है। उन पर हत्या समेत 11 मामले दर्ज हैं। कांग्रेस से डाल्टनगंज के प्रत्याशी के एन त्रिपाठी पर 5 मामले दर्ज हैं।